फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या 360। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीबीएसई सीटीईटी की एडमिट का 2019। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही में पास दिए गए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे सीबीएसई सीटीईटी एडमिट कार्ड 2019 की, तो मैं आपको बता रही थी कि अभी तक डिपार्टमेंट ने कोई भी ऑफिशियल तरीके से वैकेंसीज लिस्ट नहीं करी है कि हम कितनी वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रहे हैं, कोई काउंटिंग नहीं बताई है। तो डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बाद ही डिसाइड कर पाएगा कि उन्हें कितनी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इसकी स्टार्टिंग डेट थी 19 अगस्त 2019, और साथ ही में अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की तो वो थी 30 सितंबर 2019। डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल साइट के ऊपर उसकी एग्जाम डेट रिलीज कर दी है जो कि 8 दिसंबर 2019 है। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने भी आवेदन किया था इस पोस्ट के लिए, वह सभी इसके एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसके एडमिट कार्ड इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको नवंबर के 2nd या 3rd वीक के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका इंतजार खत्म हुआ है, उनके एग्जामिनेशन बहुत जल्द दिसंबर 8 तारीख को लगने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक जरूर चेक करें। आपका एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है उसकी कुछ लिंक्स डाल दूंगी ताकि आपको सहायता रहेगी किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी एडमिट कार्ड और एग्जाम का वेट कर रहे थे, मैंने उन सभी को बता दिया है कि इसकी एग्जाम डेट 8 दिसंबर 2019 है और नवंबर के 2nd या 3rd वीक के अंदर उनको ऑफिशियल साइट के ऊपर एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो मेरी सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक जरूर देख लेंगे किस तरीके से उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। साथ ही मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट भी बता दूंगी ताकि आपको डाउनलोड करने में आसानी रहेगी। और डाउनलोड करते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की या फिर किस किस आईडी पासवर्ड की जरूरत रहेगी, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ लगानी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको इससे आसानी रहेगी, आप जल्दी से आईडी कार्ड ना डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के बाद में मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जो है वो डिपार्टमेंट अपनी ऑफिशियल साइट पर रिलीज कर देगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियोज के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।